बिहार के बारे में ये भी कहा जा रहा है जातीय समीकरण, अगर आरजेडी जेडीयू साथ रहेगी सरकार बन जाएगी, प्रशांत जी साथ रहेगी जेडीयू। आप सरकार हैं, आपने 15 का भी चुनाव कवर किया है, आपको लगता है कि सिर्फ दो दलों के साथ में आ जाने से 15 में जीत गए होते? अगर नीतीश जी के गवर्नेंस की बात नहीं होती, उनका चेहरा नहीं होता, सात निश्चय की बात नहीं होती, तो क्या आप जीत सकते थे? अगर सिर्फ दलों के और नेताओं के आ जाने से ही चुनाव लोग जीत जाते, तो मैं ये कई अलग इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ, 2015 के महागठबंधन बिहार के बाद देश भर में इस तरह के महागठबंधन के प्रयास किए गए हैं, इंक्लूडिंग यूपी में किया गया। आपने देखा वहाँ परिणाम क्या आया? अभी नहीं, 2019 जब सपा बसपा सारे दल साथ में आए, उसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, दलों और नेताओं के साथ में आ जाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। जब तक आपके पास नैरेटिव ना हो, चेहरा ना हो, सही नेतृत्व ना हो, तब तक आप सिर्फ दलों और नेताओं को जोड़कर कास्ट समीकरण बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जाति समाज की एक सच्चाई है, एक पहलू है। जैसे समाज में 10 और बातें हैं जिसको आपको समझना है, उसी तरीके से आपको जाति को भी समझना है। समाज में अगर बेरोजगारी है तो उसको आपको समझना है, लोगों की अगर आय कम है तो उसको समझना है, लोगों की जाति है तो उसको भी समझना है। लेकिन ये जो विश्लेषक बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, ये सिरे से इस बात को मैं खारिज कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ आपके दर्शकों, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में ये बैठा दिया गया। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार में जातियों की भूमिका उतनी ही है जितने दूसरे राज्यों में है। ये आपके मन पर एक बैठा दिया गया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि हर चीज़ यहाँ जाति के आधार पर है। बिल्कुल गलत बात है। जाति बिहार में का रोल उतना ही है जितना जाति का रोल गुजरात में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है। हमने चुनाव हर जगह कराए। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर भी जातियों की इतनी ही महत्ता है। दूसरी बात, अगर कोई इवेंट, अगर कोई नैरेटिव, अगर कोई चेहरा सामने आ जाए जिस पर जनता का भरोसा हो, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दो मिनट में बात को ख़त्म करूँगा। 1984 में कांग्रेस जीत कर आई यहाँ पर, तो आपने कहा कि कांग्रेस इसलिए जीत गई क्योंकि इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी, उसका उस इवेंट की वजह से लोग सब इमोशनल होकर उन्होंने वोट किया। 1989 में इसी बिहार ने बीपी सिंह के नेतृत्व के पार्टियों को वोट करा, तो आपने कहा कि भाई उस समय बोफोर्स के नाम पर माहौल बन गया, इसलिए वोट पड़ गया। 2014 में, फिर मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ सीधे, 2014 में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ गया। तीन में एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, एक घटना है, एक नैरेटिव है और एक व्यक्ति की बात है। ये आपको क्या दिखाता है कि अगर कोई घटना, अगर कोई नैरेटिव, अगर कोई चेहरा इतना बड़ा है जिससे कि पब्लिक उनके साथ जुड़ जाए, तो जातियों में वो समाज में वो ताकत है कि वो जाति से ऊपर उठकर वोट करें। इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, अगर ये कुछ नहीं है तो समाज में ऐसी एक भावना होती है, चलिए कुछ नहीं तो अपने जात वाले को दे देते हैं। अच्छा प्रशांत जी, है, लेकिन अगर सिर्फ वही बात होती तो कांग्रेस की जाति, जो कांग्रेस के उस समय लीडर थे, मान लीजिए राजीव जी थे या कांग्रेस पार्टी, उनको वोट कैसे पड़ता? बीपी सिंह के जाति के कितने लोग रहते थे बिहार में 1989? एक सवाल का, जाति के कितने लोग बिहार में 2014 में रहते थे या आज रहते हैं? एक सवाल है, पहला तो ये कि कांग्रेस में बात कहाँ से अटकी, उसके बाद हम आते हैं पदयात्रा पे आपकी, और जो आप उससे पहले निकलने वाले हैं उस पे, कांग्रेस में कहाँ बात अटकी? नहीं, कांग्रेस में बात, इसको मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया कि भाई कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उन्होंने बुलाया, उन्होंने समझा कि भाई प्रशांत किशोर कुछ बता सकते हैं या इनकी कुछ क्षमता है या ये कुछ बात कहने की योग्यता रखते हैं, इसके लिए उनका बड़प्पन है। ये मेरी इतनी ताकत तो कोई है नहीं, उन्होंने बुलाया, मेरी समझ से जो बात समझ में आई, मैंने उनको बताया कि भाई इस तरीके से आप अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने उसमें सहमति दिखाई, उन्होंने बताया कि हम इसको करना चाहते हैं। उनकी समझ या उनका जो असेसमेंट था कि भाई जो बात ये बता रहे हैं उससे कांग्रेस मजबूत हो सकती है। अब ये बात है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक अपना जो बनाया कि भाई हम एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाएंगे जिसमें 4-5 लोग होंगे और वो ग्रुप कांग्रेस प्रेसिडेंट के डायरेक्ट सुपरविजन में काम करेगा, उनके साथ मिलकर काम करेगा और इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें भी मेरी और उनमें कोई मतलब हम लोग की पूरी सहमति थी। एक बात जहां आकर फंसी कि ये जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाने की बात है, मैं ये चाहता था कि इसको कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो मुझे बताया कि इसको हम एक ऑर्डर पास करेंगे जिसको CWC अप्रूव कर देगी या प्रेसिडेंट
कांग्रेस की अध्यक्षा उसको ऑर्डर इशू कर देंगी, उसके आधार पर यह बनाया जाएगा। मेरी चिंता ये थी कि भाई कांग्रेस पुरानी पार्टी है, उनके अपने संविधान के मुताबिक हर काम को करने के लिए एक व्यवस्था पहले से बनी हुई है। अब आप एक और बॉडी बना देंगे तो दोनों में आपस में खींचतान शुरू हो जाएगी। मैं ये चाहता था कि जो अभी की व्यवस्था है, जो संविधान कांग्रेस के संविधान के अनुरूप है, आप उसके अनुसार ही कोई अगर आप ईएजी बना रहे हैं तो उसको उस संविधान के तहत ही उसको बनाइए। अगर आप अलग से बनाएंगे तो अभी की व्यवस्था और नई व्यवस्था में विरोधाभास शुरू हो जाएगा और काम होने के बजाय खींचतान होने लगेगी। मान लीजिए कि कांग्रेस को संगठन को के दिशा में सुधार करना है, ये कहा गया कि हम लोगों ने जो अपना उनको बताया कि भाई 8000 ब्लॉक और टाउन कांग्रेस की जो कमेटियां हैं उसको पूरी तरीके से रिवैम्प करना है, नया बनाना है। उन्होंने कहा कि भाई ईएजी इसको करे, लेकिन इस काम को करने के लिए पहले से ही वहाँ संगठन महासचिव बैठे हुए हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो या तो संगठन महासचिव का रोल ख़त्म हो जाएगा, और नहीं तो ये ईएजी या जो नई व्यवस्था बना रहे हैं वो रिकमेंड करेगी और सचिव उसको माने या ना माने, महासचिव संगठन उसको माने या ना माने। तो उस चीज़ की वजह से मैंने अपने आप, मुझे लगा कि इसलिए ये बात हो नहीं पाएगी, आगे इसमें हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे, मैंने उनको कह दिया साहब धन्यवाद, मैं मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा, पद यात्रा तो अब 2 अक्टूबर से शुरू करना चाहते हैं, पश्चिमी पूर्वी चंपारण से शुरू करें, उससे पहले आप जाना चाहते हैं हर प्रखंड, हर ब्लॉक, हर जिला, और लोगों से मिलना का क्या प्लान है आपका? ये देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात बताई दो चरण में कि जो लोगों से मिलने और उनको ये जो बात मैं बता रहा हूँ, नई राजनीतिक व्यवस्था जो कि स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस थी और जो गांधी की का सिद्धांत था, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इस बात को ले जाकर लोगों से मिलना, उनसे समझना और उनकी बात भी समझ के इसमें समाहित करना, उसके लिए मैंने दो चरण में प्रोग्राम बताए हैं। एक कि अभी से लेकर पदयात्रा 2 अक्टूबर तक जितने भी लोग मेरे से मिलना चाहते हैं या मैं जिनसे मिल सकता हूँ उनके यहाँ जाकर मिलना, या पटना में वो आ रहे हैं या मैं उनके घर जा रहा हूँ, उनके शहर जा रहा हूँ, उनके ब्लॉक में जा रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि उस समय कोई 17,500-18,000 लोग ऐसे हम लोग के पास या हमारी जानकारी में या हम लोग के संपर्क में हैं। आज वो संख्या बढ़ के हो गई है करीब 60,000। 60,000 से ज़्यादा लोगों ने फ़ोन करके या हमारे लोग जो मित्र, हमारे जो साथीगण नीचे हैं उनके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करके ये बताया है कि भाई साहब मिलना चाहते हैं, या आप हमारे यहाँ आइए, या हमसे बात कीजिए, या हमारे यहाँ चाय पीने आइए। अब इसको हम लोग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी से लेके पदयात्रा से पहले इतने सारे लोगों से कैसे मिला जाए, कितनी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन हर जगह जाएंगे। प्रयास कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर सितंबर आते आते इस चीज़ को जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकें, बात कर सकें, वो करें। अच्छा, सुबह से शाम तक यही काम कर रहे हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 2 अक्टूबर से जब पदयात्रा शुरू करेंगे तो 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा, कोशिश ये होगी कि हर उस दरवाजे पर जाएँ जिसको, जिसकी कुंडी खटखटानी है, जिनसे अनुनय विनय करना है, जिनको मनाना है, समझाना है, प्रेरित करना है कि भाई आप आइए, सामूहिक प्रयास कीजिए, बिहार को अगर आप बदलना चाहते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, हम सबको मिलकर ही ये प्रयास करना है। आपने फ़ोन नंबर दिया है अपने फेसबुक पर भी और सोशल मीडिया पर, उसका क्या रिस्पॉन्स लग रहा है बिहार में? मैंने जो फ़ोन नंबर दिया है वो मेरे ऑफिस का नंबर है 9121691216, क्योंकि जो मैं जैसा तो मैं रिस्पॉन्स क्या मैं वही बता रहा हूँ कि जैसा मैं हम लोग का एक शुरू में प्रयास था कि भाई हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। शुरुआती जो मुझे समझ में आई बात कि जितना हम लोग जा रहे थे उससे ज़्यादा लोग मिलना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं या अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, वो नंबर 17,500-18,000 का था। फिर हम लोगों ने उसको मैनेज करने के लिए, 17,000 लोगों से अगर आपको बात करनी है, व्यक्तिगत तौर पर मैं तो सबसे फ़ोन सबका उठा नहीं सकता हूँ, तो एक ऑफिस बनाया, उस ऑफिस में 10 लोग यही फ़ोन उठा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए, उनकी मीटिंग शेड्यूल करने के लिए। अब उसका अभी जो परिणाम है कि वो मैं जो बता रहा हूँ कि वो संख्या बढ़ के हो गई 60,000, उसमें अभी 50 लोग मैंने और लगाए जो सिर्फ सुबह से शाम तक फ़ोन ही उठा रहे हैं ये करने के लिए कि भाई कहाँ पर कौन है, कौन व्यक्ति है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, कहाँ मिलना चाहते हैं, कैसे मिलना चाहते हैं, उसको बनाने की एक व्यवस्था की जा रही है। मेरा अपना विश्वास है कि अगले 5-7 दिनों में इस चीज़ को हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे और अभी से लेकर 2 अक्टूबर से पहले बिहार के ज़्यादातर जिलों में, ब्लॉक में, पंचायत में, गांव में, जहां पर भी मैं जा सकता हूं, हर दिन कहीं ना कहीं जा रहा हूं।
हर दिन कहीं ना कहीं जाऊंगा। आप जाने की बात, 40-50 हजार 60 हजार लोगों में से मैं नंबर इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ 40-50 है क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली संभव है आपने फोन करके बुलाया, एक महीने के बाद आप अवेलेबल ना हो वहाँ, लेकिन ये एक बड़ी संख्या है। इनमें जितने लोगों के पास पहुंच सकते हैं प्रयास करेंगे, मैं जिनको डायरेक्ट अभी नहीं पहुंच पाऊंगा मेरे टीम के साथीगण पहुंचेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से जाकर मिल सके मिलने का प्रयास करेंगे। पदयात्रा शुरू होने से पहले 2 अक्टूबर से जब पदयात्रा शुरू करेंगे तो बिना किसी ब्रेक के, लोगों के जो एक दिमाग में है कि पटना से आएंगे वहाँ से करेंगे, नहीं, एक बार जब पदयात्रा शुरू करेंगे वहीं पर रहेंगे, वहीं पर खाएंगे, वहीं पर सोएंगे, और जब तक 3000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी ना हो जाए तब तक रोड पर ही बने रहेंगे, उसमें कहीं कोई आप दुविधा मत रखिए। प्रशांत किशोर लौटेंगे नहीं बीच से। अच्छा एक चीज और है, अभी लौटेंगे नहीं, बीमार पड़ गए तो अलग बात है, अगर बीमारी को छोड़ दें या कोई फैमिली इमरजेंसी को छोड़ दें तो लौटेंगे नहीं, एक बार यात्रा शुरू करेंगे तो पूरा उसको 3000 किलोमीटर कम्प्लीट करेंगे। अच्छा बात तो आपकी अभी भी हो रही, बन रही है बात, मतलब जो लोग आ रहे हैं मिलने ना? जी जो लोग मिलने आ रहे हैं बात हो रही, वो बन रही कि नहीं आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि जो नंबर 16-17, 17.5-18 हजार मैंने 5 मई को बताया था, आज वो नंबर 60 हजार के आसपास है। ये वो नंबर है जो सामने से लोग फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मिलना है, बात करनी है, या आप हमारे घर आइए, या हमारे ऑफिस में आइए, हमारे स्कूल में आइए, हमारे खेत में आइए, ऐसे कहने वालों की संख्या आज करीब करीब 60 हजार है। और वो हर दिन ऐसे लोग, हजारों लोग फोन कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे 50 लोग अभी हम लोगों ने ऐड किए हैं, पहले 10 लोग ये काम करते थे, अभी मैंने 50 लोग और जोड़े हैं, सब मिलकर भी ये डेली फोन उठा नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति है। और आप चाहें तो मैं नंबर उसको पब्लिकली जारी कर सकता हूँ कि भी कौन लोग हैं जो बुला रहे हैं। जब आप, अगर कोई इसका रिस्पॉन्स ही नहीं है, अगर किसी की रुचि ही नहीं है तो ये फोन कौन कर रहा है? जब आप यहाँ आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ट्वीट किया, लालू जी ने कहा कि पूरा घूम के आ गए हैं अब बिहार, नीतीश जी ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम उनको नोटिस नहीं लेते, तो आप कैसे चुनौती दे पाएंगे नहीं, उनको? हमको जनता को नोटिस करना है, अगर जनता हमको नोटिस करेगी तो जनता को तय करना है। हम तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के लड़के हैं, लालू जी के लड़के हैं, उनको वो हमको नोटिस क्यों करेंगे? नोटिस करना भी नहीं चाहिए। और वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा 10 साल का जो अनुभव है, ज़्यादातर लोग हम लोग को चुनाव परिणाम के दिन नोटिस करते हैं, जिस दिन परिणाम आता है उस दिन लोग कहते हैं कि अच्छा ये कौन आदमी है, उससे पहले कोई नोटिस नहीं करता है, और वो मेरे लिए अच्छी बात है। नहीं वो तो कह रहे हैं जैसे आए वैसे चले जाएंगे। कौन कह रहे हैं? जो आपके विरोध, मतलब जो राजनीतिक रूप से काम करते हैं। तो चले, अभी चले जाएंगे तो आपको दिखेगा, उस दिन आप बताइएगा कि भाई सारे जो राजनीतिक पंडितों ने या नेताओं ने जो घोषणा करी थी या जो उनका अनुमान था उसके अनुसार प्रशांत किशोर आए और चले गए, आप अपने दर्शकों को बता दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं गए तो भी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि बात बिहार की आपने शुरू की थी जी। और फिर बीच से आप चले गए। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ शुरुआत करते हैं तो वो 3-4-6 महीने में पार्टी बन जानी चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाए, वो चुनाव जीत जाए और उस पार्टी में आप भी शामिल हो जाइए। मेरी जो परिकल्पना उस समय थी वही आज भी है कि बिहार को बदलने के लिए एक नए राजनीतिक व्यवस्था की ही ज़रूरत है, उसको बनाने के लिए आपको लंबे समय तक कमिट करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 4 साल शायद उससे लंबा समय लग जाए। जब मैंने फरवरी 2020 में बात बिहार की बात करी, उसके बाद मैंने ये कहा था कि पहले 1 महीने में इसमें 10-1 लाख लोग पहले इंटरनेट के माध्यम से जो जुड़ सकते हैं वो जुड़ेंगे, उसके बाद मैं ज़मीन पर जाऊँगा। अगर आपको ध्यान हो, मार्च में कोविड शुरू हो गया, देश में लॉकडाउन लागू हो गया, तो मैं यहाँ आकर किस तरीके से उस काम को आगे बढ़ा सकता था? अब कुछ लोगों के मन में है कि भाई आप बंगाल में काम कर रहे थे कोविड के दौरान, तो बिहार में क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं कि बंगाल में एक बनी बनाई व्यवस्था है, बनी बनाई राजनीतिक व्यवस्था के साथ में काम कर रहा था, बिहार में मैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने अभी घोषणा करी है कि भाई अब ये 50-60 हजार लोगों से जाकर अभी मिलना है, अगर कोविड होता तो कैसे जाता इनके पास? मुझे पदयात्रा करनी है, मैं पदयात्रा कैसे करता अगर कोविड होता तो? या क्या वो मेरे हिसाब से ठीक होता? मेरे नज़रिए से, आपके नज़रिए से वो ठीक बात होती कि मैं समाज में जाकर घर घर जाऊं और कोविड फैलाऊं? तो जब कोविड ख़त्म हुआ, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अब अगर भगवान ने चाहे फिर से कोई नया राउंड ना आए तो मोर और लेस कोविड की समस्या जो है वो ख़त्म है, मोर और लेस जीवन अपने पहले वाले दौर में लौट आया है, तो मैं वापस आया हूँ और पूरी
ताकत, पूरी शक्ति, पूरी ईमानदारी से जितना कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। घर परिवार सब छोड़कर अकेले यहाँ बैठे हुए हैं और सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं। दल नहीं बना रहे हैं, कोई राजनीतिक चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये मिलना, उनसे समझना, उनको समझाना कि भाई सब सही अच्छे लोगों को साथ में लाना पड़ेगा, सबको एक सोच जन सुराज की भावना रख के आगे बढ़ना पड़ेगा और सबको बिहार को बदलने के लिए एक सामूहिक प्रयास करना, क्योंकि बिहार में अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बिहार में कुछ बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो हुआ इसके बावजूद हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। अगर इस स्थिति को बदलना है, बिहार को अगले 10 साल 12 साल में अग्रणी राज्य, विकसित राज्य बनना है, दूसरे राज्यों की कतार में खड़ा होना है, तो उसके लिए एक नए प्रयास की ज़रूरत है। जो अभी तक किया जा रहा है इससे काफ़ी नहीं है, इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि आप 50 साल से पीछे छूट गए हैं। पीछे छूटने के लिए आपको ज़्यादा तेज़ी से दौड़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नए प्रयास करने पड़ेंगे, वही उपाय है, अदरवाइज कोई दूसरा। अच्छा, प्रशांत किशोर के निशाने पर 2024 है कि 2025? मेरे निशाने पर लोगों को एकजुट करना है, मेरे निशाने पर बिहार को बदलना है, मेरे निशाने पर एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी करना है। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार से क्या फिर जेडीयू से में बातचीत हो सकती है? अगर नीतीश कुमार बुलाएं आपको और वहां पर कहें कि आप फिर आ जाइए तो क्या करेंगे? क्योंकि आप कहते हैं कि गार्जियन है मेरे। नहीं, मैंने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब मैं नीतीश जी के साथ था तो मेरा उनसे पिता पुत्र का संबंध ही था। इतना अब नहीं है। नहीं, अभी जब मैं साथ में था, मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि मुझे उन्होंने पुत्रवत ही रखा था, मैं भी उनको पिता तुल्य ही मानता था। अब वो एक अलग व्यवस्था के तहत अपने पिता पुत्र अब अलग हो गए। अलग नहीं है भाई, एक नई व्यवस्था के तहत वो राजनीति कर रहे हैं। तब की व्यवस्था अलग थी, अब अलग है। अब मेरे उनके साथ होने से उनको परेशानी होगी, या हमको, हमारे और उनके साथ आने से दोनों को परेशानी। वो मुख्यमंत्री है, अभी सरकार का 3.5 साल का कार्यकाल बाकी है। मेरी उनको शुभकामना है कि भाई आप जिस मैंडेट से, जनता ने जिस अपेक्षा से आपको बैठाया है कुर्सी पर, उसको कीजिए, जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं कीजिए। पहले 5 साल में 7 निश्चय पूरा नहीं कर पाए, तो कम से कम इस 5 साल में उसको पूरा। अच्छा, ये मुझे एक बताइए प्रशांत किशोर, आपको लगता है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं राजनीतिक रूप से? भाई ये हमारे कहने की बात नहीं है, तो किसी के आकलन की बात है कि नीतीश कुमार जो 2009-10 में थे, वो उनकी पार्टी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज वो 3रे नंबर की पार्टी है। जहाँ तक नीतीश जी के राजनीतिक कद का सवाल है बिहार के बाहर के नज़रिए से, तो स्वाभाविक है उस नज़रिए से भी 2014-15 में जो नीतीश कुमार की स्थिति थी, जो उनका ऑरा था, या जो उनको लेकर जो पूरे देश में एक क्यूरियोसिटी या चैटर था, वो आज नहीं है। ये बात तो मतलब नीतीश जी भी मानेंगे, उनके समर्थक भी मानेंगे। अच्छा प्रशांत जी, एक चीज़ ये बताइए, बिहार में जो राजनीतिक दल हैं जो काम कर रहे हैं, किसी को अपने नज़दीक पाते हैं? नहीं, मैं एकदम नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की बात कर रहा हूँ, तो जो भी उसमें शामिल होना चाहे, जो भी उस सोच से अपने आप को अलाइन करेगा, सबका स्वागत है। बिहार में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है या उसके नेता नहीं है जिनसे मेरी बातचीत नहीं होती है, या जो जिनके साथ, सबके साथ मैंने काम किया हुआ है पहले, सारे पार्टियों के नेताओं से मेरे संपर्क हैं, आज भी हैं। वो व्यक्तिगत संपर्क अलग बात है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी पार्टियां मेरे साथ आ जाएंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि आपने कहा मुझको लोग चुनाव परिणाम के दिन याद करते हैं, अगर चुनाव परिणाम के दिन ऐसा परिणाम आ गया कि आपको किसी की याद करना पड़े, तो किसको याद करिएगा? फिर से अपनी सोच को याद करेंगे, वापस जाएंगे, समझेंगे कि क्या गलती हुई, उसको फिर से नए प्रयास के लिए क्या और बेहतर करना है, उसको फिर उस बेहतरी की ओर जाएंगे। देखिए, जिस दिन मैंने ये सो कॉल, जिसको आप चुनाव स्ट्रेटजिस्ट, चुनाव प्रबंधन, मैनेजमेंट कहते हैं, आप समझिए जब 2010-11 में मैंने वो काम शुरू किया होगा, तो देश में इतने ऐसे लोग होंगे जो मानने को तैयार थे कि इस चीज़ को किया जा सकता है, कि बड़े बड़े राजनीतिक नेता, बड़े बड़े राजनीतिक दल कोई बाहर के आए हुए व्यक्ति से सलाह देगा या उसकी मदद लेगा, क्या आप ऐसा सोच सकते थे 10 साल पहले? 10 साल में आज आप हमको बार बार कह रहे हैं कि चुनाव स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर तो लोग आपको जानते हैं, ये नहीं जानते, स्वाभाविक है, लेकिन वो आप इसलिए जानते हैं कि 10 साल का प्रयास उसमें शामिल है। 10 साल मैंने कुछ करके वहाँ दिखाया है और अपने बूते पे करके दिखाया है, किसी का कोई हाथ पकड़ के बढ़ाया नहीं है, किसी ने मदद नहीं की है, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से जो कुछ भी बन पड़ा, अपने लिए एक जगह बनाई है, वो 10 साल में बनाई है। आप हमको या आपके आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं, आपके मन में मेरे को, मुझे लेकर कोई डाउट है, शंका है, बिल्कुल उस शंका को बनाए रखिए,
लेकिन मुझे जज कीजिए, मैं जो काम करूंगा, मेरा जो आचरण है, व्यवहार है, जो मैं करूंगा आगे, उसके आधार पर आप जज कीजिएगा। मैं फेलियर से डरता नहीं हूं। अगर फेलियर से डरता तो एक नई विधा, जिसको आप लोग कहते हैं, इस देश में चुनाव प्रबंधन और चुनाव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की एक नई विधा शुरू कर दी गई। आज 20,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ नहीं, 20,000 से ज़्यादा बच्चे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो आदमी भी राजनीति करता है, चाहे वो मुखिया हो या प्रधानमंत्री के स्तर के कोई व्यक्ति हो, हर आदमी समझता है कि ऐसे लड़के जिनको थोड़ी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, उनका उनकी कुछ उनका योगदान हो सकता है। लोग जानते नहीं थे कि सोशल मीडिया का भी प्रयोग हो सकता है। 2014 से पहले कितने नेता थे जो जानते थे कि सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा सकता है। आज आप मुखिया सरपंच भी बनना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत समझ तो ज़रूर हम लोग को होगी, और जो समझ नहीं है वो सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। लोगों के बीच इसीलिए जा रहे हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने प्रयास में कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे, बाकी जनता मालिक है। जो जनता अच्छा खासा तो चल रहा था, ऐसी क्या आन पड़ी कि नया? देखिए, 10 साल मैंने उस काम को किया, और मेरा एक अपना जीवन का फलसफा है, जिस काम को मैं और कुछ बेहतर बड़ा नहीं कर सकता हूँ, अब उस काम को लगातार करते रहने का मतलब नहीं है। बंगाल और तमिलनाडु के जिस दिन रिजल्ट आए, मुझे ऐसा लगा कि अब उस फील्ड में चुनाव प्रबंधन स्ट्रेटजी, चुनाव लड़ना लड़ाना, उस फील्ड में अब कुछ उससे बड़ा करने के लिए बचा नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया। फिर 1 साल का समय लिया ये सोचने के लिए कि जीवन में आगे क्या करें, जो चुनौतीपूर्ण हो, जिससे समाज का कुछ भला हो, जिसमें मेरी 10 साल 5 साल अगर लगाना भी पड़े तो वो वर्थ है लगाना। फिर वो समझ में आया कि भाई एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए। कहाँ बनाया जाए उसको लेकर दिमाग में रहा, किसके साथ बनाया जाए इसको लेकर भी चर्चा रही, भाई कांग्रेस को लेकर करें, TMC को लेकर करें, खुद का करें, ये सारे द्वंद्व मन में रहे हैं। इसीलिए आपने पिछले 1 साल में देखा होगा, मैंने हर तरह के लोगों से बात की, हर तरह के लोगों को असेस किया, लेकिन उस सब के बाद ये तय किया कि नहीं, अगर नया प्रयोग करना है, नया कुछ बनाना है, तो अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना होगा। बिहार को चुना है और पूरी तरीके से बिहार को समर्पित है, इस सोच को समर्पित है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी की जा सकती है, जो कि यहाँ के सही लोगों के साथ, सही सोच के साथ, सामूहिक प्रयास का एक नतीजा होगा, और उसी से बिहार में आगे के डेवलपमेंट का या आमूलचूल परिवर्तन की या व्यवस्था परिवर्तन की जो आप बात कहते हैं, रास्ता उसी से। अच्छा, 5 सूत्री प्रोग्राम केवल बता दीजिए, इससे हम लोग खत्म कर देते हैं बिहार के लिए। मेरा कोई 5 सूत्री, 10 सूत्री, 20 सूत्री प्रोग्राम नहीं है। मैंने आपको बताया, मेरा अभी 1 सूत्री प्रोग्राम है, बिहार में सारे अच्छे लोगों को एक साथ एक मंच पर लाना, उनको पीपल्स गुड गवर्नेंस के एजेंडा से जोड़ना, और उनको इस बात के लिए समझाना, प्रेरित करना, मनाना, अनुनय विनय करना कि हम सबको सामूहिक प्रयास, लोकतांत्रिक पैरामीटर्स जो हैं उसके अंदर आकर एक सामूहिक प्रयास करना होगा, उसी से आगे बात खुलेगी। जहाँ तक आपने बात कहा भैया आप रोजगार के लिए क्या करेंगे, शिक्षा के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, आप चिंता ना करें, जिस दिन ये मंच बन जाए, लोग साथ में आ जाएं, तो हर क्षेत्र का, बिहार के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट क्षेत्रवार और हर सब्जेक्ट पे वो पब्लिक डोमेन में रखेंगे, उसकी चर्चा की बात मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैं यहाँ छोटे रोल में आकर ये काम कर रहा था तब भी 7 निश्चय की परिकल्पना की थी, तो वो पूरा लोगों से समझ के, जितने भी दुनिया भर के एक्सपर्ट इसमें लगाए जा सकते हैं उनके साथ मिलकर ब्लूप्रिंट बनाकर जनता के सामने रखेंगे, और वो चुनाव के, या अगर दल बनता है तो दल, जब भी दल बने, जब भी मंच ऐसा कोई बने, सबने मिलकर तय किया बन गया, तो आप जनता के सामने रखेंगे कि भाई हम स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहते हैं, रोजगारी के लिए क्या करना चाहते हैं, औद्योगिकीकरण के लिए क्या करना चाहते हैं, फिर जनता को उस पर डिबेट करने दीजिए। प्रशांत जी, दो आपके प्लान से, आपकी योजना से दो इतर सवाल है मेरे, जो आज तक मैंने नहीं सुना है। आपको बचपन में या छात्र जीवन में कौन सा खेल पसंद था? सारे खेल पसंद हैं, लेकिन क्रिकेट, सब यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए पैदा होते हैं, तो सबको, सबकी रुचि क्रिकेट में है। क्रिकेट खेलते रहें, चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते रहें। और फिल्म देखते हैं? फिल्म नहीं देखते हैं, फिल्म नहीं देखते हैं, टीवी। छात्र जीवन में भी नहीं देखते? छात्र जीवन में बहुत देखते थे, अब नहीं देखते हैं, मतलब 12वीं क्लास के बाद से फिल्म देखने का, सिनेमा हॉल में जाने का करीब करीब मैंने बंद कर दिया, वो नहीं देखते हैं। मेरी रुचि फिल्म देखने में बहुत है। मेडिटेशन वगैरह करते हैं इतने? नहीं, मेडिटेशन वगैरह करने का तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो स्ट्रेस से घबराने वाले में नहीं हूँ, मुझे आई एम द टाइप ऑफ पर्सनालिटी, अगर आप उसको फ्रेजोलॉजी में देखेंगे
मुझे जितने आप प्रेशर है उतना ही अच्छा है। तो उस आई अंडर प्रेशर। तो जिस समय फिल्म देखते थे कौन से एक्टर और एक्ट्रेस पसंद थी आपकी? जिस समय मतलब कोई बहुत जमाने हो गए अब तो, लेकिन अरे जो सब लोग देखते, हाँ हम लोग भी थे, पटना में 6-7 उस समय सिनेमा हॉल होता था, साइंस कॉलेज में पढ़ता था जी। तो उस समय वहाँ से निकल के क्लास बंक करके 2-3 पिक्चर जो देख सकते वहाँ, यहाँ रूपक, मोना, एलिफिस्टन करके 3 हॉल एक साथ होते थे, तो एक के बाद एक तीनों सिनेमा हॉल में देखते थे। फिर वहाँ से आए तो दूसरे से सिनेमा हॉल, जो जो पिक्चर लगी सब देखते थे, अच्छी खराब। लेकिन होता ना कि फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस। मैं बहुत हीरो वर्शिप का मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन पिक्चरें देखी हैं, सारी पिक्चरें देखी हैं, जो भी लग गई उसको देखा होगा, उसमें उस दौर में जो भी पिक्चर आई होगी सबको देखा। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को समय दिया, धन्यवाद। प्रशांत किशोर जो नए प्लान लेकर के जा रहे हैं और 2025 में ज़रूर बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे, जैसा इनके बात से लग रहा है और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं।